फर्ज करो हूँ चोर ने किटियाँ पांच टिकटियाँ ठीक है पुलिस ने तो छे भी मना ली नहीं लित्र अजकल घट ही इस्तेमाल करी दा बाइज तरीके दे नाल जिहड़ा काम होए इस कानूनी कार्रवाई दे नाल कर ले भी हाँ की आ क्यों मैनू रोके जानता नहीं मैं फलाने का मुंडा ठीक पता चले ना कि थाने चले ने वो दो जगह तू पाड़ लेंदे ने अपना अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे जी ह्यूमन डायरी की एक नई एपिसोड के साथ खुश आमदीद ये हमारा एक सिलसिला इस तरह का है कि जैसे मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया था कि हम एक ऑनलाइन जो है ना वो कैब सर्विस यूज़ करते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ लोग हमारे साथ आके बैठते हैं और उनके साथ फिर हम गपशप करते हैं और उनको जानते हैं उनके ख्यालात के बारे में उनकी ज़िंदगी के बारे में क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में हर शख्स जो है वो एक अलहदा चलती फिरती किताब है जिसके अपने ख्यालात हैं जिसकी अपनी सोच है जिसके अपने अलहदा तजर्बात हैं और उनसे सीखने का हमें बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। तो अज मैनू ना छेड़ियो क्योंकि मेरे नाल जड़ा ना पंजाब पुलिस बैठी है ठीक है और जब पंजाब पुलिस थोड़े नाल हो तो फिर जड़ा ना हर बंदा शेयर होता है। सो हमारे आज के मेहमान अस्सलाम वालेकुम भाई जन कैसे हैं आप जी वालेकुम अस्सलाम जी भाई जनाब कैसे हैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह जी आपका नाम सर मोहसिन यूसुफ फ्रॉम सियालकोट से हूँ मैं अच्छा जी मोहसिन साहब कहाँ पर आप अपॉइंटेड हैं क्या जॉब करते हैं थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में मैं स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट है लाहौर में जॉब कर रहा हूँ अभी अच्छा जी मोहसिन भाई अब हम अगर पीछे शुरू करें सारे की सारी चीज़ें तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे पुलिस में जॉब करते हुए मुझे हो गए हैं तकरीबन 8 साल अच्छा जी अब एक चीज़ मोहसिन भाई जो हमेशा हमारे मुआशरे में और हमारे घरों में सोची जाती है ठीक है कि या तो पुलिस ओनू भर्ती कराया जाता है कि जेड़ा निकम्मा होंदा ठीक है या पुलिस ओनू भर्ती कराया जाता है कि खानदान वाले कहते हैं कि यार एक पुलिस होना चाहिए कोई रौले रप्पे पै जाते हैं तो एक बच्चा पुलिस होना चाहिए आपके पुलिस में आने की क्या वजह थी जी मेरी पुलिस में एक तो कितने ना जिमें पिंड कहें कि मुंडा पुलिस से लगा हुआ अच्छा मैं पंजाबी गल करा क्योंकि पंजाबी से ज़्यादा मज़ा आएगा जी जी मुंडा पुलिस से लगा हुआ एक मुंडा पिंड अगर एक भर्ती हो जाए ना मुंडा तो सत्तों पिंड पता लग जाता है कि भी फलाने ना मुंडा पुलिस से है और सत्तों पिंड की ठुक बन जाती है ठुक बन जाती है अच्छा यह कि अपना असी जिथे कि भी जाना है चलो असी पुलिस वाले नाम मशहूर है यार मुंडा पुलिस से है जिन्हें साडा तारफ करना दूसरा मैं शौक से भी एक है सी मैं पंजाब कल सियालकोट तो आई कम कर रहा सा अचानक भर्ती आई इस तू पहले वालद साहब मेरे सब इंस्पैक्टर सन तो उन्होंने मैनू नहीं आख्या कि बेटा तू पुलिस भर्ती हो जा मैंने उन्हें कोई गाइडलाइन नहीं दी है मैं उन्होंने बिना पूछे ना स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट दियाँ भर्ती आई मैं वो अप्लाई कर दिता मैं किसी यार दोस्त नहीं दसिया मैं जो अप्लाई किया सारे मैं जिन्हें भी मेरे स्टैप है सन मैं पूरे कर दते मेरे सैकेंड ईयर के पेपर सन मैं उधर मेरा ट्रेनिंग का लैटर आ गया मैं सैकेंड ईयर के पेपर मिस करके मैं ट्रेनिंग से चला गया ठीक है ट्रेनिंग कितने हुई थी ट्रेनिंग मेरी रावलपिंडी रवात सेंटर उत्थे मेरी हुई सी उस तो बाद अलीड का 4 माह का कोर्स है साढ़ा एक वो उत्थे कराया सानू बेदियां अलीड रोड दे ते बेसिकल मकसद शौक सी मेरा और पुलिस नू ठाड़ फाड़ भी चलो है माड़ी चंगी बन जाती है बंदे जिदा की भी है ते बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जी साढ़े हत्ते चढ़ गया जनाब एक पुलिस वाला ठीक है ना अगे पिछे लोग कहते हैं कि जनाब तुसी पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाइए बड़ा बुरा लगेगा अज साढ़े हत्ते पुलिस वाला चढ़ गया और असी छड़ना नहीं अज ठीक है सर जी पहली गल मैनू मोहसिन भाई यह दसो कि जेड़ा पुलिस का नाम इन्ना शदीद बदनाम है ना उसकी वजह की है देखिए हर अदारा जड़ा ना बदनाम सिर्फ पुलिस है ठीक है लेकिन देखा जाए कि तुसी असी अपने दिल को पूछिए ना असी हॉस्पिटल चले जाइए अदालत च चले जाइए मतलब कि किसी भी ऐसे पाकिस्तान अदारे दे विच चले जाइए तो असी दिल दे मुतमैन नहीं होंगे ठीक है पुलिस एक मुहाफज है अगर पुलिस चंगा काम करती है सानू मीडिया के उत्ते दिखाई नहीं जाता ठीक है पुलिस के चंगे काम नू मीडिया दिखाई नहीं जाता
तो बुरा काम पुलिस वाला कर लेना तो वो एक मिनट तो पहले पट्टी चल जाती है कि जी ये पुलिस वाले ने कर दिता है। अगर जिन्हें अच्छे काम पुलिस वाले कर रहे हैं इन्ने अगर दिखाए जाना ठीक है। मेन जो सोशल मीडिया है ना ठीक है, साढ़ा यही अपना पावर इस टाइम ठीक है। जो सोशल मीडिया साढ़ा दिखाएगा साढ़े माइंडसैट पब्लिक का उस तरह का बन जाएगा। तो जिस तरह दिखा रहे ने पुलिस ये नहीं कि पांच उंगलों बराबर बिच गंदी भी होंगी उंगल तो, लेकिन कोशिश यही है कि साड़ी बेहतर तो बेहतर जी है। अच्छा सर जी, असी मुस्लिम भाई हमेशा पूरे पूरी दुनिया के देखा जाता कि पुलिस को देख के ना लोगों को एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आती है कि यार मैं अगर फर्ज करूँ कि रात को इतने किसी जगह पर फंसा हुआ ठीक है, पुलिस आ गई है तो मैं फौरी तौर पर जाना ना एक रिलैक्स फील कराँगा कि शुक्र अलहमदुल्ला यार पुलिस आ गई है हूँ जड़ा ना मेरा मसला हल हो जाएगा। लेकिन साढ़े इतने मामला तो डिफरेंट है, साढ़े इतने पुलिस आ जाए तो फड़तू पै जाता लो भी पुलिस आ गई पुलिस पै गई पुलिस पै गई। क्यों वो कई पंजाबी दशाला मसाला मशहूर ने कि छोटी मोटी लड़ाई हुई है ना तो वो आने ना ना पुलिस ना ना बुलायो असी आपू सुलह कर लाँगे लेकिन पुलिस को जान छिड़ावे ठीक है। लेकिन यह गल है कि पुलिस को पुलिस तशवीश कर दी है लेकिन जिहो जी आवाम ओह जी अपना लहजा रख के ना मनाना एक पुलिस का शुरू तो जी है ना एक ऐसी जबान है कि दबके दे नाल कोई भी बंदा दबके दे नाल ही मानते हैं वैसे प्यार नाल पाकिस्तानी आवाम मानती नहीं है। अच्छा। जिस तरह का डंडा होएगा उस तरह का ही अपना जरा ना इस्तेमाल करा जो शरीफ आदमी ने उन्होंने शरीफ नाल भी अपना कर ली दी गल जे वैसे ने डिंगे लोग ने उन्होंने दबका छबका भी मार के मना ले लैन तो लिया होंगे जिस तरह मर्जी। अच्छा मोहसिन भाई अगली गल मैं दसो ठीक है, मशहूर है पाकिस्तान के बारे च कि अगर पुलिस चाहे ठीक है तो थोड़ी एक सूई गवाची हुई ना वो भी लभ जाती है ठीक है, और अगर पुलिस ना चाहे ठीक है तो इतने मनारे पाकिस्तान भी गवाच जाए ना तो यह नहीं लभदी हकीकत है। देख पुलिस जिन्या सहूलतों देनिया ने उदे मुताबिक काम कर सकती है पुलिस। अगर साढ़े को फर्ज करो एक मोबाइल ट्रैक अगर एक बंदे का गुम होया है ना तो जिन्ना तक सानू IME नंबर ना देगा ठीक है असी किवें ट्रेस करांगे। एक बंदा आंदा है पुलिस स्टेशन कि मेरी रिपोर्ट दर्ज करो मेरा मोबाइल गुम होया है, सानू IME नंबर देगा तो असीं उन्हें ट्रेस करांगे। तो दूसरा अगर उदे विच जे मोबाइल जिहदा गुम होया है वो सिम यूज़ करेगा तो साढ़े को डाटा आएगा ना, वो बंदा एक सिम नहीं यूज़ करता अजकल IT का तुहानू पता दौर है तो IME नंबर वगैरह भी चेंज करवा लेंदे ने। दूसरा एक मैं ना कुछ दिन पहले पोस्ट एक चढ़ी सी कि ना फेसबुक दे मेरी मोटरसाइकिल गुम हो गई तो पुलिस वो नहीं लभ के दे रही। देखो पुलिस पहली गल उस गड्डी नू नंबर भी नहीं सी लगा है। सही उस बंदे की गलती उन्हें नंबर लवाए तो पुलिस उन्हें ट्रेस करे ना। अच्छा जी जवाब की अदालत में पुलिस वाले भाई से अगला जो है ना वो इल्ज़ाम इनके ऊपर ये है कि ये अपने इख्तियारात का बहुत ज़्यादा नाजायज़ और गलत इस्तेमाल करते हैं। मुसन भाई ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल कुछ है जो करते हैं, ये नहीं कि हम कहते हैं कि नहीं जी पुलिस, हाँ लोग करते हैं पुलिस में है वो करते हैं नाजायज़, लेकिन जो नाजायज़ अगर इस्तेमाल करता है तो जब पकड़ा जाता है तो उसे कानून के मुताबिक डिपार्टमेंट की तरफ से सजा भी मिलती है। मोहसिन भाई कितने होंगे यार, छोटी मोटी थोड़ी इंक्वायरी लगती है उस तो बाद फिर छुट जाते हो। यकीन करो कि छोटी मोटी इंक्वायरी नहीं, ये पाँच साल भी चलती रही रेगुलर इंक्वायरियाँ, ये पाँच साल भी सिविल बंदा तो यही कहना कि छोटी जी इंक्वायरी लग गई लेकिन वो पाँच साल भी रेगुलर लगी रही तो चलती रही। अच्छा मोहसिन भाई हुण एक हकीकत है, हकीकत है ठीक है ना, इस तुसी जो मर्जी कर लो तुसी इस गल नूं चुटला नहीं सकते ठीक है कि पाकिस्तान का सब तो ज़्यादा करप्ट इदारा पुलिस है ठीक है जी। मैं वजह जाननी है क्यों? देखो मैं तो पुलिस बेच लेकिन मैं अपना पता है कि मैं करप्शन तक नहीं करता। नहीं तुसी नहीं करते लेकिन मैं ओवरऑल पुलिस पुलिस नूं देखो ना एक बंदा है हुण फर्ज करो तुसी हो तुसी एक बंदा है फर्ज करो कि हुण चरस पी रहा है ठीक है, चरस पी के उन्हें पुलिस आन के पकड़ लै जाती है इंजी है, हूँ कोशिश ये करता है कि मैं बदनामी है इंजी है म पिंड जे महल जे रात उतरे
ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਮੌਜੂਜ਼ ਖਵਾਤੀ ਨਜ਼ਰਾਤ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਔਰ ਅਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ। ਹੋਤਾ ਯਹ ਕਿ ਜੀ ਜਬ ਆਪ ਜੈਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं और किसी कंपनी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एक असाइनमेंट जो है ना वो मिलती है कि आप जो है ना वो एक सर्वे करके आएँ और सर्वे करके आप उसकी सारी रिपोर्ट जो है ना वो हमारे पास पेश करें, तो कंपनी उस सर्वे के लिए बकायदा फंड्स जारी करती है ताकि एक अच्छे तरीके के साथ जो है वो स्टडी हो सके और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ आएँ। जब हमारे यहाँ पुलिस को एक केस सौंपा जाता है कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है ना वो आप हमें रिपोर्ट पेश करें, तो उस इन्वेस्टिगेशन की किसी किस्म की भी कोई सोर्सेज, कोई फंड्स पुलिस को नहीं दिए जाते हैं, जिसका नुकसान क्या होता है? पहला नुकसान ये होता है कि हमारी जो पुलिस की फाइंडिंग्स हैं वो उस तरह से परफेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि इनको प्रॉपरली जो है ना वो फंड्स नहीं जनरेट हुए हुए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब इनको काम भी करना है और इनको डंडा दे के काम भी करवाया जाता है और काम करवाने के बाद फिर जो है जब इनको जो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पैसे लगते हैं वो भी इनको अपनी पॉकेट से पे करने पड़ते हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि करप्शन जो है ना वो डेफिनेटली बाज़ुकात इनकी शौक नहीं मजबूरी बन जाता है। ये मैं एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो ओवरऑल मेरी जितने भी जो पुलिस वाले थे उनसे मेरी जो बात हुई वहाँ पे मैं उसके ज़रिए जो है ना वो आपसे ये बात कर रहा हूँ। अच्छा सर जी, मोहसिन भाई अगला सवाल मेरा, मैंने यूजुअली आज तक ज़्यादा मेरा पुलिस के साथ वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन नाकों पे और या कभी तलाशी के वक़्त या कभी ऐसा कोई ड्राइविंग लाइसेंस गुम गया या FIR कराने के लिए ज़रूर कभी जो है ना वो पुलिस स्टेशन जाना होता है। ये इनके लहजे, ठीक है, इतने ज़्यादा सख्त और इतने ज़्यादा जो है ये दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि सड़े हुए क्यों होते हैं? अगर लहजे की बात करें पुलिस के, तो अभी तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरी आ चुकी है पुलिस। नहीं सर जी, ना 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 मोहसिन भाई, ना ना मोहसिन भाई, ना वो रात को मैं आ रहा हूँ, ठीक है, वो आते साथ ही थले आ जाओ, ठीक है जी, थले आ गए, किसे जा रहे हो, की कर रहे हो, ये इस तरह से तो बात करते हैं। अब ये इतना मैं देखें जहाँ पे मैंने हक की बात थी वो मैंने की मोहसिन भाई। लेकिन अगर देखा जाए मैंने तो दस दौ कि उम्र सी उस बंदे दी या सर वही है नॉर्मल जिन्ना कोई 35-40 साल होएगी। लेकिन हूँ जी अगू नई जनरेशन आ रही है ना, जी नवी अपना फोर्स आ रही है, साढ़े यंग लड़के एक पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा ने, दूसरा डिसिप्लिन वगैरह हर चीज़ काफ़ी बेहतरी आ गई। इंशाल्लाह कोशिश है कि अगर जी उन्नी भी है आवाम की जी शिकायत है ये भी खत्म हो जाएगी। अच्छा मैनू मोहसिन भाई यह दसो, ठीक है, क्या यह जानता है कि पुलिस जड़ी है वो ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स और ज़्यादातर जड़ी अशरफी है उन्होंने नाल बिजी होंगी, आम आवाम लिए तो पुलिस होंगी नहीं, ठीक है, किन्नी हकीकत है इस गल च? हकीकत 100%। अच्छा हाँ जी 100% ये कि चलो हाँ जिस चीज़ का फोर्स है उन्होंने वो बनाया है, अगर उस मकसद लिए तुम अपना नहीं इस्तेमाल कर रहे तो वो फिर जाहरी गल जरायमी होंगे सब कुछ होएगा। लेकिन है कि अगर इस्तेमाल उन्होंने प्रॉपर उस लैवल किया जाए तो साड़ी हर चीज़ लैवल दे आ जाती। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मोहसिन भाई, ज़्यादातर पुलिस इस मामले तो लोग पुलिस वाले इस मामले पर कंप्लेन करते हैं कि यह साढ़े ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा होंगे ने, हकीकत है इदा कि नहीं? 100% हकीकत है। हूँ
क्योंकि जैसा कि ड्यूटी कर रहे हैं लड़के, जैसा कि मैं कर रहे हैं, अगर फर्ज करो 12-12 घंटे भी करने पे नहीं, लेकिन जड़ा हूँ आ रहे ना आईजी साहब, कुछ चेंजिंग साड़ी डिपार्टमेंट च शायद ना ही लम होए, ये एक दो साल तो इन्नी की चेंजिंग आ गई है कि पुलिस भी बहुत बेहतर हो गई है। तुसी अगर विजिट करें अपना होए ना थोड़ा लसेंसिंग सेंटर जी जाना है, हाँ नहीं उसे पिछले दिन गए सी, वाकई में हकीकत मरकज जाना है, किसी भी खेतों में मरकज भेज तो बहुत डिसिप्लिन के नाल बाइज़ तरीके हर काम थोड़ा होएगा। दूसरा है कि जड़ी ड्यूटीज़ अगर देखे जाए तो हूँ मोस्टली जी ना 50-50 हो गया है, काफ़ी जगह दे 8 घंटे हो गई है, लेकिन कुछ नफरी की कमी की वजह तो ड्यूटी ले जा रही है 16-16 घंटे, 18-18, 12-12 घंटे भी ले जा रही है, तो लेकिन कि निज़ाम तो फिर चलाना है ना, क्योंकि फर्ज करो नफरी की कमी की वजह तो मैं 8 घंटे अपनी ड्यूटी करके चला जाऊंगा तो थाना बंद नहीं करना या कोई भी चीज़ ऐसी बंद नहीं करनी, मजबूरी तो है आवाम की खिदमत करनी है, तो चलो ये सानू शिकायत नहीं है, ऐसी 8 घंटे साड़ी ड्यूटी नहीं हो रही 12 घंटे 16 घंटे, लेकिन है कि ये सानू पेमेंट भी मिले, ठीक है ये बदले एक्स्ट्रा चार्जेस मिलन जिस तरह बाहर कंट्री के होता, तो असी ज़्यादा। अच्छा मोहसिन भाई पिछले दिनों च मैनू हुकूमत याद नहीं गई और मैनू ईयर याद नहीं गा, लेकिन एक जड़ा ना वो नारा मशहूर होया सी कि अब मार नहीं प्यार, ठीक है जी, हाँ जी हजे भी वही चल रहा है या नहीं, ये सिर्फ नारा ही सी है? नहीं चल रहे है, प्यार नाल हर काम कर दी पुलिस, जानदा यार जानदा यार। अच्छा मोहसिन भाई वो जड़ा एक मशहूर है कि तुसी एक वड्डा सारा चित्र बनाया हुंदा, ठीक है ना, ओ तेल च डुबोया हुंदा या जड़ा ओ की नाम है ओ कोई कहंदे ने कि जी ओ टायर दे रबड़ दे नाल बनाया हुंदा है, चमड़े दा बनाया हुंदा है ओ, जरा जड़ा स्पेशलिस्ट पुलिस दा लितर है, ठीक है ओदी स्पेसिफिकेशन दसियां जान प्लीज। ओ देखो ली ओ बनाया गया है शरीफ लोकां नहीं बनाया गया, शरीफ लोकां लई बनाया गया नहीं बनाया गया? अच्छा अच्छा शुक्र है, शरीफ लोकल ही नहीं बनाया गया, बाइज शहरी लिए नहीं बनाया गया, अच्छा ठीक है, वो बनाया गया है चोरा डकैत, चोरा नहीं डकैतों जिहड़े अपने चोरी करता नहीं मानता, पुलिस ने फिर उन्होंने अपने अंदाजे दे नाल अपने अंदाज दे विच उन्हों मनाना दे होंदा है केस दे विच, फर्ज करो हूँ चोर ने किटियां 5 डकैतियां, ठीक है पुलिस ने तो 6 भी मना ली नहीं है, लेकिन ना कि चित्र बाइज शहरी लिए नहीं यूज़ किया जाता, तो ये भी पुलिस को कोई मारन का शौक नहीं, अगर बाइज्जत तरीके चोर खुद ही मन जाए तो पुलिस लित्र उन्होंने भी नहीं मार दी। अच्छा हम मैं दसो सिर्फ है कि लित्र होंदा क्या हो जाए, उसकी स्पेसिफिकेशन की है उसकी? लित्र तकरीबन कोई डिपार्टमेंट की तरफों इशू नहीं होया होंदा खुद ही तुसी जड़ा ना चलो बनाना होंदा है, ठीक है कोई छोटा हो जाता कोई बड़ा होंदा, की में बनाया जाता है की उदे च लवाजमात इस्तेमाल होंदिया ने, उदे विच चमड़ा होंदा थोड़ा जा, अच्छा होर एडा कोई नहीं, ओ क्या जांदा है कि जी ओ अपना टायर दे रबड़ दे नाल बनांदे ने? नहीं देखो मेरे ख्याल ना तुसी भी नहीं हले देखिया, नहीं मैं अल्लाह ना करे कभी देखना पवे, या अल्लाह तौबा मेरी या अल्लाह, जे सही तो ही मुआयना करना दे आज मेरे नाल चले जाओ, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं, दिखा देने हैं लेकिन तुसी मुआयना मुआयना करांदे करांदे तुसी मैनूं कहो जरा जवासा फोन जरा सीधे वो एक अद्धा जरा खा के भी वेखो, ना भाई ना ना नहीं लित्र अजकल घट ही इस्तेमाल करी दा, बाइज़त तरीके दे नाल जिहड़ा कम होए इस कानूनी कार्रवाई दे नाल कर ले। सर जी अगला मैनू ये लित्र ता जिहड़ा ना टॉर्चर दा सब तो पहला पॉइंट है, पुलिस टॉर्चर दे की तरीके इस्तेमाल करती है मुजरम कोलों मनवाउण लई? पहली गल लित्र ही दिखांदी है, लित्र ही ठीक है, मुजरम काफ़ी ज़्यादा कहीं दे अजकल नहीं इन्ने जोगे कि जो बर्दाश्त करन, ठीक है मन जाते ने, दूसरा उदी कोई भी टॉर्चर मतलब उन्हें बनाना किसी तरीके, ठीक है जैसा कि जिमें थ्रेड करीदा कि असी इस तरह करना कि तेन इस तरह तो मन कोई ना कोई सोर्स अपना मौके की नवीयत के नाल जिस तरह चोरी है उस तरह से इस्तेमाल कर ले। अच्छा
अच्छा ये मुसिन भाई जो यदि कोई खास ट्रेनिंग दी जाती है थानू कि इदा इन्वेस्टिगेट करना या इदा अगले बंदे नू टॉर्चर करना या यदि कोई खास ट्रेनिंग होंगी है? नहीं नहीं ट्रेनिंग नहीं कोई भी ट्रेनिंग तो हरगिज़ नहीं कहा जाता कि तुसी अपना जड़ा ना इस तरह मारना है या नहीं, जिहड़ी कानूनी कार्रवाई है वो ही करनी है ठीक है, लेकिन कुछ अंदाज है ने जड़े सोर्सेस है ने चोर ने इन्वेस्टिगेशन नहीं फिर इन्वेस्टिगेशन के ही आ जाता है सारा ठीक। और जिस तरह की नवीयत डकैती की चोरी की जिस तरह की उस तरह के फिर अंदाजे नाल। अच्छा मोहसिन भाई लेकिन साढ़े तरह माशाल्लाह पुलिस अफसर इन्ने काबिल ने इन्ने पुराने जड़े ने जो इन्वेस्टिगेशन जिन्हें 3-3 साल कट छड़े ने वो दूरों वेख के दस देने बंदे ने चोरी की है कि नहीं की। जिहड़ी वाजुकात इदा हुंदा है कि पुलिस की मर्जी हुंदी है वह किसी भी चीज़ से फड़ के थाडी FIR कर दे और कोई भी केस थाडे उत्ते एक्सट्रा पा दे ठीक है, आया इदा हुंदा है कि नहीं हुंदा? नहीं इदा दे साढ़े मेरे 8 साल की सर्विस में मैं नहीं देखा है कि पुलिस जड़ी ना एक बंदे को फर्ज करो कोई मंशियात निकली नहीं तो पुलिस वो पा के परचा दे दे। ये बड़ी पुरानी गल्लां ने लेकिन अजकल नहीं कोई भी महकमा बहुत चेंज हो गया एडवांस हो गया क्योंकि सोशल मीडिया हर कम हर अपना जड़ा ना बंदे दी जेब दे नाल कैमरा लगा है ठीक है, ये चीज़ा तकरीबन मोस्टली खत्म हो गई ने ये चीज़ हुण नहीं है ठीक है। यानी कि पहले हुंदा सी कि अपने गोली मार के जड़ा ना वो अपने मुकदमा दूजे ते पाता सिर पाड़ के मुकदमा दूजे ते पाता वो तो सिविल बंदा भी करता है देखो ना अगर लड़ाई पिंड जो ये एक तो सिर पाटा होएगा ना उन्होंने पता चले ना कि थाने चले ने वो दो जगह तो पाड़ लेंदे ने अपना कि वो परचा करा रहे ने असीं भी उन्होंने मजबूत परचा कराना ये तो सिविल बंदा भी करता जे हज करो एक बंदा उसकी लड़ाई हुई ना आपो जी लड़ाई झड़ एक तो सिर पाड़ गया वो परचा कराने टुर गया तो अपना परचा मजबूत करने लिए अपना दो जगह तो पाड़ लेगा कि भाई मेरा इन्हें दो जगह तो पाड़िया मेरा वो वाला बस मजबूत हो जाए परचा जेड़ा थाडे कोल हुण दो चीज़ां मैं कन्फर्म करनियां ने कि थाडे कोल असला फर्ज करो ठीक है उहदा लाइसेंस है थाडे कोल लाइसेंस रखण दा लाइसेंस हुंदा है कि तुसीं नाल उहनूं कैरी वी कर सकदे हो कैरी करन दा लाइसेंस अलग हुंदा है परमिट अलग हुंदा है? उहदे दो सूरतां ने लाइसेंस तुसीं रखण दा ते कैरी करन दा ना उहदी अगर फर्ज करो अगर तुहाडे कोल लाइसेंस है लेकिन हर किसी तुहानूं इजाजत नहीं हुंदी कि तुसीं ओपनली उहनूं शो करो ठीक है तुसीं उहनूं शो नहीं कर सकदे ठीक है। दूसरी दी हदूद बनी होंगी अगर तुहाडा पंजाब दा है तो तुसीं पंजाब दे विच उहनूं छुपा के कैरी कर सकते हैं वह भी इस सूरत है कि तुहानूं इजाजत लेनी पैंदी है कि सानूं तुहानूं प्रॉब्लम दसनी पैंदी है किसी भी सीनियर ऑफिसर नूं या डिप्टी कमिश्नर नूं कि सानूं यह प्रॉब्लम है सानूं कैरी करन दा एक लैटर भी दिता जाए नाल ठीक है उस सूरत दे विच तुसीं उहनूं परमिट कहिंदे ने परमिट कहिंदे ने कि वह नाल ट्रैवल करन दा तुहानूं दिता जाए हर किस यह नहीं कि तुहाडा लाइसेंस बनया है कि तुसीं जनाब ओपनली सारा शो कराओ ते ए कम ना करे इसदे ते भी। अच्छा हुण मैनूं सिर्फ तुसीं ना एक पुलिस दी आवाम दे कोलों हुण दूजी साइड ते आ जाओ पुलिस दे आवाम दे कोलों की शिकायत ने और थाडियां की प्रॉब्लम्स ने आवाम दी हद तक मैनूं ओह दसो कि थानूं चीज़ समझ आउंदी है? आवाम देखो ना पहली गल है कि आवाम मैं जिस तरह पिछे भी जिक्र किया है कि अगर आवाम अपना प्रॉपर हर चीज़ कवर रखे ना जिस तरह गाड़ी है गाड़ी की लाइसेंस बंदे को गाड़ी रजिस्ट्रेशन होए कल अगर फर्ज करो दी उन्नी भी होंगी गाड़ी ना लभन लगे आसानी होंगी मोटरसाइकिल दी मोबाइल दी इस तरह मतलब कि सारे डॉक्यूमेंटेशन अगर पूरी होए तो पुलिस को बड़ा फायदा होंगे वह ठीक है ट्रैकिंग सिस्टम सारे टोटल चेक करना उन्हों दूसरा कि तुहानू भी पता है आवाम भी इस तरह की यह कि अगर नाके तो रोकया भी जाए ना कि अगर पुलिस वाला वो करके बुलाता है तो कई वह जो बंदे भी है जो करके बुलाते भी है हाँ ये की है क्यों मैंने रोके तो जानता नहीं मैं तो फलाने का मुंडा ठीक है तो अगर वो प्यार ना भी बोलता हाँ तेरी जरूरत किमें हुई तो मैंने रोकने की मैं तो फलाने मिनिस्टर का मुंडा तो फलाने का यानी अगर पुलिस ने तुम रोकया तो थोड़ी ही हिफाजत लिए रोकया है रोकया थोड़ी हिफाजत लिए ठीक अगर तुम फर्ज करो ट्रैवल करना दसा गड्डिया के बीच एक गड्डी जी मशकूक अगर उन्होंने अं चेक नहीं करा तो नुकसान पहुँचा सकती ना किसी ना किसी अगर असी प्रॉपरली चेक करा सू अपना इस तरह के बिहेवियर अगर ना यूज़ करेगी ना साढ़े न उन्हों की अपना उन्होंने फायदा है आवाम का।
पुलिस की जिहड़ी हुकूमत है इहदे कोलों की तहफुजात ने या की शिकवे ने की शिकायत ने? हर बंदा वेलो हर बंदा जिहड़ा ना यही चाहता तनखा ते आप तुसी माशाल्लाह समझदार हो एक बंदे दी हुण पुलिस कांस्टेबल जिहड़ा है स्टार्टिंग सैलरी उहदी जिहड़ी है ना वह 30 to 32,000 है 30 to 32,000 ते जिहदी 8 साल सर्विस है उहदी चलो 40-45,000 होएगी लेकिन 45 मेरा अपने घर दी मैं गल करना तो मैनू 18,000 दे बिल आ गया मेरे अगर कितने बच्चे अगर पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों अपना प्राइवेट स्कूल या सरकारी अगर सरकारी जी भी पढ़ रहे ना तो नॉर्मल 3 बच्चों का 18 to 20,000 खर्चा आ जाता है एक महीने का किताबा कापियाँ आना जाना ट्रैवलिंग 20,000 बिल आ गया 20,000 थोड़ा खर्चा आ गया फिर कोई शादी खुशी कमी दे आना जाना तो ये इन्ना गुजारा नहीं होता कोई भी तो तनखावों का मुतालबा हर दफ़ा मुलाजम यही है कि तनखाव ज़्यादा होने खुशहाली होएगी अच्छी करप्शन खत्म होएगी हर चीज़ मतलब बेहतर हो जाती खुश अंदाज के नाल ड्यूटी जी सारी अंजाम लेंगे ठीक है। और क्या तुसी जी हकूमत जो पुलिस ली करती है क्या तुसी उत्तम उत्तमीन हो? ये करना आ भी पैंदा है हकूमत तुहानू पता है अजकल हकूमत जिहड़ा करना करना है बजट दे विच ही तो सानू गुजारा करना भी पैंदा है लेकिन है जिहड़ी सारी सैलरियां ने असी उन्हां दे मुतमिन नहीं है बल्कि मुतमिन की वेखण वाला बंदा भी हैरान हो जांदा कि यार तुसी 40,000 च किवें गुजारा कर रहे हैं तो ये कि मुतमिन बस जिस तरह का फिर चला रहे हैं चलना पैंदा है चल मौसम भाई बहुत शुक्रिया बहुत मज़ा आया थोड़े नाल गल करके ठीक है और अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह थानू अपने हिफ्ज़ो मान च रखे और तुसी मैं हकीकत एक गल कहांगा कि तुसी जागते हो तो असी सुकून की नींद सोने और अल्लाह थानू अपने हिफ्ज़ो मान च रखे थानू इदा ही पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करन लई और इना दी सारियां दी हिफाजत करन दा जड़ा ना वो थाडे जिम्मे दिता है अल्लाह ने और अल्लाह इनू ही जड़ा ना सरअंजाम दिंदा रहे। बहुत शुक्रिया सर थाडा।